Hello students, welcome to class 11. This is your first class of economics. So today we learn the basic concepts of economics. So first of all we start from the introduction to economics. There are so many basic concepts. So सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हम लर्न कर रहे हैं what is that? What is economics? Economics is a science of human behavior concerned with the allocation of scarce means in such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profits, and the society can maximize its social welfare. अब यहाँ term आए consumer, producer, तो who is consumer? A consumer is one who consumes goods and services for the direct satisfaction of his or her wants. Jin goods and services ko consume kar raha hai, to what is consumption? Consumption is the process of using a utility value of goods and services for the direct satisfaction of our wants. यूटिलिटी वैल्यू क्या है वो भी आपको पता चले कि यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड मींस इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. किसी भी कमोडिटी में उसकी एक इनहेरेंट कैपेसिटी होती है कि वो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करती है. हम चाय क्यों पीते हैं? चाय से हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करती है. हम किसी भी चीज को परचेज कर रहे हैं क्योंकि वो हमें यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर. किसी भी कमोडिटी में वांट सेटिस्फाइंग पावर दैट इज यूटिलिटी. तो यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है इसलिए हम कंज्यूम करते हैं. तो कंजम्पशन में हम उसकी यूटिलिटी वैल्यू को कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी यूटिलिटी वैल्यू को यूज कर रहे हैं. अब ये यूटिलिटी वैल्यू क्रिएट कौन करता है? तो नेक्स्ट आपका है प्रोड्यूसर. A producer is one who produces and sells goods and services for the generation of income. Okay. यहां आप देखेंगे producer वो है जो goods and services को produce करता है या फिर वो भी है जो goods and services को sell करता है या दोनों काम करता है. ये जो production है तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स. थिंग्स बिकम्स यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. सिंपल एग्जांपल है, सपोज किसान ने वीट प्रोड्यूस किया फार्म पर. फार्म पर कौन लेने जाएगा? वहां से होलसेलर ने परचेज किया, उतनी यूटिलिटी वैल्यू उसमें क्रिएट की, उतना उसमें फिर उसकी वैल्यूएटेड जितनी होती है उसका जो पैसा है वो भी बढ़ जाएगा, वैल्यू भी बढ़ जाएगी, उसका मार्केट प्राइस भी बढ़ता जाएगा. अब वहां से भी सारे लोग नहीं परचेज करते, वो भी नहीं देगा, फुटकर में कितने लोगों को देगा? तो उसने रिटेलर को सेल किया, तो रिटेलर ने और यूटिलिटी क्रिएट की क्योंकि रिटेलर जी जो रिटेल शॉप्स ही आपके घर के आसपास होती है आप वहां से परचेज करते हैं. तो ये यूटिलिटी वैल्यू क्रिएट करना दैट इज प्रोडक्शन. किसी भी कमोडिटी में उसमें यूटिलिटी वैल्यू क्रिएट करना इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. जो भी प्रोड्यूस हुआ इकोनॉमी में, अभी आपने देखा कंज्यूमर्स ने अपनी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम किया, लेकिन जो कंज्यूम नहीं किया दैट पार्ट इज सेविंग. तो सेविंग is that part of income which is not consumed. Okay बच्चो, यह हम कह सकते हैं excess of production over consumption, that is saving. Now investment, one more term, very important term in economics. It is expenditure by the producers on the purchase of such assets which help to generate income. Producers उन assets को purchase करता है जिनसे फर्दर प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, और उन पर जो खर्च करता है प्रोड्यूसर दैट इज इन्वेस्टमेंट. और इन्वेस्टमेंट कौन करता है?
प्रोड्यूसर। ओके, जहां भी इन्वेस्टमेंट टर्म यूज होगा आगे इकोनॉमिक्स में, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड हमेशा प्रोड्यूसर करता है, इन्वेस्टमेंट पर खर्च हमेशा प्रोड्यूसर करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वन मोर टर्म जो कि यूज होता है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कैसे हमें पता चले कि कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक है, कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक नहीं है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इट इज एन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्कैर्स मीन्स। अब ये स्कैर्स रिसोर्सेज हैं क्या? तो स्कैर्सिटी का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन इट्स डिमांड फॉर रिसोर्सेज। यानी डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन इट्स सप्लाई। इसीलिए कहते हैं स्कैर्स रिसोर्सेज मस्ट हैव सम मार्केट वैल्यू। क्यों? उनकी डिमांड ज्यादा है, उनकी सप्लाई नहीं है, इसलिए उनकी मार्केट वैल्यू होती है, जितने भी स्कैर्स रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो रिसोर्सेज है इनके दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक स्कार्सिटी, जो अभी अभी आपने पढ़ा कि डिमांड फॉर रिसोर्सेज ग्रेटर देन इट्स सप्लाई। और यू मे से सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन इट्स डिमांड। सेकेंड इंपॉर्टेंट देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस। एक रिसोर्स को हम कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लैंड है, उस पर हम गेहूं भी कल्टिवेट कर सकते हैं, हम वीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस पर हम कोई बाग भी लगा सकते हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। आप सिंपल सी चीज, आपके घर में दूध आता है, आप उसकी कितने सारी यूजेस हैं। आप डायरेक्ट पी भी सकते हैं उसका, आप दही जमा सकते हैं उसका, आप पनीर बना सकते हैं उसकी, आप मिठाई बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस। और एग्जांपल छोटा सा लीजिए, आपके पापा की जो इनकम है लिमिटेड है, स्कैर्स है। ओके, और आपकी डिमांड इतनी सारी है, और उसी इनकम से पापा घर का किराया भी देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, आपके कपड़े बनवाते हैं, आपकी फीस जमा करते हैं, और जितने आपके और दूसरे खर्चे हैं, कहीं शादी ब्याह हुआ उसमें भी खर्च करते हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस, स्कैर्स मीन्स का, स्कैर्स रिसोर्सेस का ऑल्टरनेटिव यूजेस है। और इसी के कारण हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कहाँ खर्च करें। पापा के सामने इस दिक्कत आती कि पहले आपकी फीस जमा करें कि पहले आपके लिए कपड़े बनवाएं कि पहले ये काम करें, या फिर अगर हमें एलोकेट करना तो कितना फीस में, कितना मकान किराए में, कितना दूसरी चीजों में। तो यहां प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है, और इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्कर्स एंड दीज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। और इट इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्कर्स रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज, इनको ऑल्टरनेटिव यूजेस में हम एलोकेट करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हाउ टू एलोकेट, किसमें कितना एलोकेट करें, यही तो समस्या है। और ये समस्या हर किसी के सामने, इसीलिए हम कह रहे हैं ना इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप डे टू डे की लाइफ से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ें। द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या इसमें पूरा निचोड़ निकला? स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। दूसरा क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। और तीसरी बात क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ स्कर्सिटी इन चॉइस। कहते हैं अगर स्कर्सिटी ना हो तो चॉइस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और स्कर्सिटी एंड चॉइस नहीं तो कभी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी ही नहीं। और स्कर्सिटी एंड चॉइस ये दोनों साथ साथ चलते हैं। दस स्कर्सिटी कॉजेस चॉइस, अदरवाइज हमें जरूरत ही नहीं, हमारे पास इतना है तो हम क्या, हम कहीं भी कितना खर्च करें तो चॉइस की समस्या ही नहीं आएगी। बट ऐसा नहीं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। चॉइस इंप्लाइज डिसीजन मेकिंग, तब हमें सोचना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग रिलेट्स टू यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट्स,
एंड अ सोसाइटी मैक्सिमाइजेज इट्स सोशल वेलफेयर। कहां से चले थे? इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से, और वहीं पर हम आके इतना सारा समझने के बाद। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मीन्स छोटा, स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म। जो हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे, एक बुक आपकी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। हम नेशनल इनकम, इकोनॉमी एज ए होल पढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारा हम का इकोनॉमी एज ए होल पढ़ते हैं। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम जनरल प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इनमें बेसिक डिफरेंस इसी के आधार पर आता है कि हम यहां क्या पढ़ रहे हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, ये सारा कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे, लेकिन डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी सप्लाई, ये सारा क्या इकोनॉमी एज ए होल। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमी एज ए होल हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो सारा हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं, जो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। नाउ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, दो तरीके से, दो आपके सेंटेंसेस भी आप कह सकते हैं, दो तरीके से किसी बात को हम प्रेजेंट करते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशंस विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स फॉर फिगर्स और रिलेट्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज विच आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। क्या है, क्या था, ओके? ये आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बात कर रहा, लेकिन ऐसी चीजों की जिनको आप वेरीफाई कर सकते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। इट डील्स विद ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। भारत में बेरोजगारी इतनी है, लेकिन इतनी होनी चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन इतने लोग हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन इट शुड बी रिड्यूस्ड टू, कोई अगर हमने फिगर बताया तो वो जहां हमने अपना ओपिनियन लगाया वो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होगा। अब इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? एक सिस्टम होता है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। और इसमें मेन हमारी जो है वो दो इकोनॉमी है और तीसरी उसका मिक्सचर है। पहली है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी इज फ्री इकोनॉमी इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो ये आपकी मार्केट इकोनॉमी है, ओके? तो दूसरा आपका है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी आपकी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज द वन विच इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी और द गवर्नमेंट। जहां पर गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, आपने चाइना में देखा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, बट अमेरिका और जितने आपके यूरोपियन कंट्रीज है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हूम टू प्रोड्यूस। जबकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट सारे रिसोर्सेस पर उसी की ओनरशिप होती है, जबकि मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप होती है। और इन्हीं का जब एक मिक्स रूप हम ले लेते हैं तो मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी इज द वन इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न बाय द मार्केट फोर्सेस बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इंडिया में क्या है? मिक्स इकोनॉमी। और ज्यादातर देशों में आप देखेंगे आपको मिक्स इकोनॉमी मिलेगी। तो ये आपका जिस्ट है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट आपका है उसमें ये है। अब हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टैट्स का, और उसमें हम व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, इट्स लिमिटेशंस, इट्स इम्पोर्टेंस, इसको हम लोग लर्न करेंगे और
थैंक यू स्टूडेंट।